हेलो गाइस, मैं विकास विश्वकर्मा आज फिर आप लोगों से जुड़ चुका हूँ एक नया आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग CMD जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसके जरिए हम लोग हमारे कंप्यूटर में कुछ यूजेस और कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं डेट और टाइम को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए, वो हम यहाँ पर पूरी तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर आपको गाइस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोडिंग नहीं करना, किसी सेटिंग में नहीं जाना। नॉर्मली आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, इसके बाद उसमें अपने डेट और टाइम डालना है वगैरह वगैरह करके, और तुरंत आपका डेट और टाइम जो है वो आप चेंज कर पाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम यहाँ जो नीचे हमारे पास सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग CMD टाइप करेंगे। CMD कमांड प्रॉम्प्ट CMD टाइप करते हैं, यहाँ हमें कमांड प्रॉम्प्ट दिखने लगा। हमको इस पर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो इससे ये होगा कि नॉर्मल जब हम ओपन करते हैं तो ये सिस्टम को जो ऑथेंटिकेशन वाली कमांड होती है वो नहीं दे पाता है, बट जैसे ही हम रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये हमारे सिस्टम को एक ऐसी कमांड दे पाएगा जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन पर वर्क करे। तो अब जैसे अब ये हमारा ये ओपन हो चुका है, हमने इसको परमिशन अलाउ किया, ये होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर डेट और टाइम लिखना है। नॉर्मली सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमें डेट चेंज करना है तो हमने डेट लिखा और इंटर किया, तो यहाँ पर ये हमें करंट की डेट बता रहा है, मतलब हमारे सिस्टम में आज जो डेट फीड है मतलब आज की जो डेट है वो ये बता रहा है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इसे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अब हम यहाँ से आज ये 23 तारीख का हम इसको 24 तारीख कर देते हैं सीधे। हमने इसको 24 किया, आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं इसमें डेट, जैसे आपके सिस्टम में डेट गड़बड़ है तो आप इससे ठीक कर सकते हैं। अब हम इसको तीसरे महीने में ले जाते हैं, फिर उठा के 2024 कर देते हैं सीधा, हम सीधा सीधा 2 साल आगे चले जाएंगे। और हमने किया इंटर, ये देखिए हमारी जो डेट है सिस्टम की, अभी आपने यहाँ पर देखा था कि ये यहाँ पर 2022 थी, 23/2/2022 थी, और अब यहाँ पर ये 24/3/2024 हो चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसका टाइम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे, नॉर्मली हमें यहाँ पर टाइम टाइप करना है और इंटर कर देना अपने कीबोर्ड से एंटर करते हैं, यहाँ पर हमें करंट का टाइम बता देगा। अब हमें इस टाइम को भी चेंज करना है, तो जैसे यहाँ पर 22 हो रहे हैं, अब मैं इसको 23 में कन्वर्ट करता हूँ यहीं से। 23 आपको जैसा फॉर्मेट दिया हुआ उस सेम उसी फॉर्मेट में लिखना रहेगा। इसके बाद आप इसको आप जो भी चाहे टाइम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि जैसा उसमें लिखा हुआ है टाइमिंग जो है उसके 1 घंटे अंदर नीचे और ऊपर नीचे जो भी चाहे आप वो टाइम चेंज कर सकते हैं। और ये लिखने के बाद आपको इसमें नॉर्मली इंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आपके ये टाइम भी आपका चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इजीली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से बचकर जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम के टाइमिंग और डेट्स को इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए। फ्रेंड्स किस तरीके की लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स ये वीडियोस जो है आप लोग खुद तो देखते हैं, पर फ्रेंड्स आपके द्वारा देखी गई वीडियोस पर सब्सक्राइब्स और लाइक्स की बहुत कमी है। फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे इस तरह की नॉलेजेबल जो चीजें हैं वो अपने फ्रेंड्स और आपके जो कॉलेज या स्कूल में जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर जरूर बताएं, जिससे कि हमारे जो चैनल है और जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको अपन जो एजुकेशन है कंप्यूटर के लिए वो लोगों तक अच्छे से पहुंचा सके। थैंक यू सो मच।